नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज कला उत्सव प्रोग्राम के तहत जो है हमारे पुंछ ज़िला से बहुत सारे गुलकार हैं, उनमें से एक हमारे जो है मुस्कान अंजुम जी हैं, ये भी पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं और इनसे आज हम रूबरू होंगे कि ये कितनी ज़बानों में जो है वो अपना कलाम सुनाते हैं, कितनी ज़बानों में ये गाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानों में इनको हमने अक्सर सुना है। तो सबसे पहले इनसे हम ये पूछते हैं कि थोड़ा सा अपना ये तारुफ देंगे, ये किस गांव से हैं और कैसे इनको गाने का जो शौक़ पैदा हुआ। जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। मैं तहसील मंडी गाँव फतेहपुर रहने वाला हूँ। तो जैसे कि गाने का मसला, तो संगीत का मुझे बचपन से शौक था, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला और मैं सऊदी अरब में गया, वहाँ पे थोड़ा गए, उन्होंने आवाज़ मेरे को पसंद किया। तो धीरे धीरे आज मैं गा रहा हूँ और मैं पहाड़ी में भी गा लेता हूँ, गोजरी में, पंजाबी में और उर्दू हिंदी में। जी तो ये जैसा कि आपने कहा कि मैं घर में जो है छोटी छोटी महफिलों में आपने गाना शुरू किया, तो आज हम देखते हैं कि आज आपको काफ़ी लोग जो है सुनते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल पे, आपके बहुत सारे गीत जो है सुनते हैं गुजरी में, पहाड़ी में। तो क्या आज इस प्रोग्राम में जो है आप हमें कुछ सुनाएंगे पहाड़ी में एक अदद? जी जी, मैं आपको सबसे पहले एक पहाड़ी सरकार तेरे सतगोला दुनिया में सो रंग तेरे एक रंग बिच गोला, दुनिया में सो रंग तेरे दुनिया में सो रंग तेरे एक रंग बिच गोला। माशाल्लाह। तो आप ये सुनिए कि आपने एजुकेशन जो स्कूल में कहाँ कौन सी क्लास तक जो है वो सीखी है? जी मैं एजुकेशन जो है सर मैंने 11वीं पास की है। जी 10वीं जो मैं अपने गांव से फतेहपुर से पास की थी, उसके बाद हाई सेकेंडरी मंडी में मैंने 11वीं जो पास की। बहुत अच्छी बात है। आप आपको पढ़ने का शौक नहीं रहा या कि आप इस फील्ड में आना चाहते थे संगीत बारी में? इस फील्ड में मुझे शौक तो थी, घर के वसायल नहीं थे, लेकिन घर का मसला ऐसे थे कि मेरे जो वाल साहब थे काफ़ी अंदर साहब थे बेड पर कुछ प्रॉब्लम बन गई थी, जिसमें चलना फिरना उनके लिए दुश्वार था। तो मैं सर छोटा था, मैं कर रहा था काम शाम के लिए, मैंने पंजाब हो गया ऐसे मुंबई में ऐसे छोटी मोटी प्राइवेट काम वगैरह जो मैं करता था। उसके बाद सऊदी अरब में रहा था कोई 2 साल तक, मैंने 2 साल सऊदी अरब में लगाए, वहाँ पे मैंने काम शुरू किया और वहाँ पे मुझे गाने का जो और ज़्यादा शौक़ हुआ, जैसे जो जो प्रदेश देखा कुछ, वो गाना जो है मेरे लिए एक काफ़ी जिंदगी का हिस्सा बन गया। फिर मैंने वहाँ जब गाना शुरू किया था वहाँ पे फेसबुक पे मैंने लाइव किया, तो बहुत से दोस्तों ने मुझे अच्छे कमेंट्स दिए, अच्छा प्यार दिया। फिर कुछ चैनल व्हाट्सएप पे ऐसे मेरी वीडियो वगैरह आगे पीछे लोग ग्रुपों में डालने लगे, तो बहुत लोगों ने मेरा मतलब मुझसे रब्ता किया कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। ऐसे सबसे ज़्यादा मुझे मतलब संगीत बहुत ज़्यादा प्यार मिला। जी जी जी। तो ये आपको मतलब कि प्लेटफॉर्म आपने कहा कि प्लेटफॉर्म मिला, क्या आपने रिव्यू एडिशन की या जो आपके कल्चर अकेडमी है मैं उसमें कभी आपने अपनी आइटम? सर मैंने नहीं, जैसे ऐसे सोशल मीडिया पे जो जम्मू में जे के न्यूज़ मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये इंटरव्यू को लेकर आपको जरूर मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपको हमेशा हर इंसान को फील्ड में अलग ले ही जाता है जिसमें दिलचस्पी हो, ख्वाहिश हो और उम्मीदें आपकी हो। तो आपका अगर गोजरी का एक छोटा सा शेर सुनाते हैं हमारे नाजरीन कासत मेरा यार ना मेरो रे पैर
हमारे नाज़रीन जितने भी सुन रहे हैं और मैं सबसे ये इल्तिजा भी करूँगा कि सब जो है वो हमारी वीडियो आज की जो शेयर करें लाइक करें ताकि इनको ज़्यादा से लोग पसंद करें और इनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर ये जो है वो अपनी इस कला को दुनिया के सामने ला सके और कामयाबी जो है वो इनके कदम चूम सके। साहब आप हमारे प्रोग्राम में आए और कल आप सबके साथ हमने आपसे बातचीत की, हम इस उम्मीद के साथ कि आपको फिर कभी हम मौका देंगे किसी प्रोग्राम में जो हमारे कल्चर प्रोग्राम होते हैं, खास करके ट्रेडिशनल जो हमारे होते हैं ब्याह शादी में या किसी दूसरे जो कल्चर प्रोग्राम स्कूल्स में होते हैं, जब 15 अगस्त में होता है, 26 जनवरी में प्रोग्राम होता है, उसमें भी आपको मौका मिले। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।